नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में अशोक के पत्तों का काफी महत्व है। इनका इस्तेमाल पूजा पाठ से लेकर सजावट तक में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अशोक के पेड़ के पत्तों के कई उपाय बताए गए हैं। ये उपाय काफी आसान होते हैं, वहीं काफी कारगर भी होते हैं। इन पत्तों का इस्तेमाल कुंडली में ग्रहों के दोष को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं घर में लगातार बीमारियों का वास बने रहता है, तो इनके इस्तेमाल से रोग और पीड़ा छुमंतर हो जाती है। घर में परिवार के सदस्यों में रोग बीमारी लगातार बने रहते हैं। डॉक्टर के इलाज से लेकर कोई दवा काम नहीं आती। इस समस्या को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन अशोक के पत्ते पर बीमारी का नाम लिखकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से पत्ते के प्रवाहित होने के साथ ही बीमारी दूर होने लगती है। ग्रह दोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह दोष को दूर करने के लिए अशोक के पत्तों को पीसकर नहाने के पानी में मिला लेना चाहिए और फिर इसी जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होने लगते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वास्तु दोष की समस्या को खत्म करने के लिए उपाय भी अशोक के पत्तों में है। अशोक के पत्तों की माला बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांगना शुरू कर दें। ऐसा लगातार 11 रविवार तक करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और बुरी शक्तियां दूर भागने लगती हैं। विवाह। कई बार काफी जत्नों के बावजूद भी शादी नहीं हो पाती, इसके लिए भी अशोक के पत्तों से उपाय किए जा सकते हैं। गुरुवार के दिन अशोक के सार पत्ते लेकर कलश के जल में डुबो देना चाहिए। फिर अगले दिन में पत्तों पर शुक्र मंत्र लिखकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से शादी के योग बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको भी है इनमें से कोई समस्या और आप भी इसे निजात पाना चाहते हैं तो अपनाए ये उपाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।